सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुनील और लेके आ गया एकदम नई वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आज अपन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो बजी ब्रीडिंग फार्मूला और दूसरा जो है वो है सीड मिक्स फॉर विंटर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था अगर आपको सीड मिक्स चाहिए विंटर के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, तो कई लोगों ने लिखा था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीड मिक्स दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन बजी ब्रीडिंग फार्मूला देखेंगे। तो सीड मिक्स देखने के पहले आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जिसको भी इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीड मिक्स दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे अपने पास सीड मिक्स है। तो सीड मिक्स में मैंने लिए ज्यादा सीड्स नहीं है, ये सनफ्लावर सीड्स है। इसके अंदर थोड़े मस्टर्ड सीड्स डाले और ये जो प्लेन अपन दाना देते हैं बजीज को कंगनी, ये है। और इसके साथ दलिया है, दलिया मतलब गेहूं जो होता है, अगर आप उसको पीस लेंगे तो इसे व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगा। तो ये सीड मिक्स विंटर के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें दो गर्म बीज आ गए हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स और मस्टर्ड सीड। तो ये उनके लिए काफी सही रहेंगे, तो आप ये उनको दे सकते हैं विंटर में। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको इसमें एक और टिप देता हूँ, अगर आप इनको इस कंगनी के बजाय बाजरा देंगे तो भी चलेगा। और अगर आपके पास कंगनी और बाजरा दोनों की और भी ज्यादा बेस्ट है, आप वो दोनों दीजिए। तो अब अपनी बात होगी सीड मिक्स की, अब अपन बात करते हैं बजी ब्रीडिंग फार्मूला की। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, बजी ब्रीडिंग फार्मूला के लिए आपको ये वाली कैप्सूल चाहिए होगी, ये विटामिन ई की कैप्सूल है, इवियन है इसका नाम, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये इवियन 400 इसका नाम है, ये 30 रुपीज की अगर एमआरपी आपको दिख रही हो, 29 रुपीज की है एक्चुअली, 30 में पड़ी। तो ये जो है ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। ये विटामिन ई की कैप्सूल है, आप उनको जाके बोल दीजिए कि हमको विटामिन ई की कैप्सूल चाहिए, या आप इसका नाम याद रख सकते हैं। तो ये इवियन 400 30 रुपीज की आपको एमआरपी भी दिख रही है, तो आप ये वाली किसी भी मेडिकल शॉप से परचेज करके ले आइए। तो दोस्तों आप इसको लाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं। सो गाइस, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सीड ले लेना है। एक्चुअली आप ज्यादा मात्रा में ले 250 ग्राम या 1 किलो तक ले लें, तो अभी मैं उनको ले, तो ये तो मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आप 250 ग्राम्स ले रहे हैं या आधा किलो ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ बेस्ट रहेगा। आधा किलो दाने में आपको ये जो है इवियन कैप्सूल है, ये जो इवियन कैप्सूल है इसकी एक कैप्सूल डालनी है आधा किलो दाने में, यानी 500 ग्राम्स में एक कैप्सूल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस दाने को गर्म कर लेना है। तो आप यहीं रुकिए, मैं इसको फटाफट से गर्म करके लाता हूँ, गैस पे गर्म कर लेना, हल्का रोस्ट करना है। और उसके बाद जो ये सीड तैयार हो जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ। तो आप यहीं रुकिए, मैं आधा किलो दाने को एकदम रोस्ट करके लाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। सो गाइस, अभी मैं इसको गर्म करके ले आया हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये गरम क्यों किया। तो दोस्तों अगर अपन इसको ठंडे में ही अगर इस पे ये कैप्सूल डालते तो ये सिर्फ कुछ ही दानों पे लगती, लेकिन अभी ये गरम है तो ये सभी दानों को टच हो जाएगी। और ऐसा ही करना है, सभी दानों को टच हो जानी चाहिए। तो चलिए अभी इस एक कैप्सूल को निकालते हैं, इसके अंदर छेद करते हैं और इसके अंदर का जेल जो है वो इसके ऊपर डालते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं इसमें छेद कर लेता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने इसको गर्म कर लिया है, मतलब छेद कर लिया इसमें, तभी हम ये जेल इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो दोस्तों आपको इसके अंदर कैसे भी छेद कर सकते हैं, और सेफ्टी पिन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। आप सेफ्टी पिन लेंगे तो एकदम सही रहेगा। और उसके बाद आपको इसको अच्छे से मिला देना है ताकि एक एक दाने के ऊपर ही अच्छे से टच हो जाए। तो अभी मैं इसको फटाफट मिला लेता हूँ, थोड़ा गर्म है एक्चुअली, कैमरा भी मैंने ही पकड़ा है, तो एक सेकेंड में इसको मिला लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने इसको अच्छे से मिला लिया, उसके ऊपर अच्छी सी शाइन आ गई है। तो हर एक दाने को लगाया ये दवाई जो है वो अपनी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी इसको तो मैं साइड में रखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे देना है और मैंने इसको कितनी देर गैस के ऊपर रखा था। तो इसको साइड कर लेते हैं। सो गाइस, अभी मैंने उन सीड्स को साइड में रख दिया है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ आपको उनको कैसे देना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप उनको जो आपकी बजी जो है उनकी पर सर्विंग पे, मतलब एक जब आप उनको दाना देते हैं तो उसमें आप उसको एक टेबल स्पून जो है वो उतने जो है अपन ने जिस इवियन कैप्सूल लगाई है वो वाले दाने दे देंगे तो एकदम सही रहेगा। और अगर आपके पास कॉलोनी है और बजीज की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप जो है वो उनको थोड़े से मतलब ज्यादा दीजिए, आप उनको 2 टेबल स्पून उसमें मिला के दे सकते हैं। अपन को इसको ज्यादा नहीं देना है और उसका जो है ओवरडोज नहीं करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसको गैस के ऊपर कितनी देर रखा था।
तो मैंने दोस्तों उसको गैस के ऊपर करीब 5 मिनट तक लो फ्लेम पे चलाया था, रोस्ट किया था। तो आप भी आराम से करेगा यार, जल्दी किस बात की है, वरना दाने जल जाएंगे। तो आप भी आराम से कर लीजिएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको शिव मिक्स भी बता दिया और बजी ब्रीडिंग फॉर्मूला भी बता दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अब जो वीडियो आएंगी वो सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर आएंगी, एक भी वीडियो इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं आएंगी। तो अगर आप भी अपने बजी को ट्रेन करना चाहते हैं तो मेरी अगली आने वाली सारी वीडियो देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।